हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो फिर आज मैं एक मम्मी मगर बनाने वाली हूँ। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक पेपर, एक कैची, एक पेंसिल और ये टेप। तो फिर सबसे पहले मम्मी मगर बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मम्मी मगर कैसे दिखती है जब ये इसका मुंह खोलती है। तो इसे मैंने हाथ में बिठाने के लिए यहाँ पर ऐसे पेपर की टेप लगा दी है। स्टेप की मदद से इसे मैंने तीन उंगलियों पर सेट किया है। आप यहाँ से पेंसिल का नाप ले वो भी देख सकते हैं। अगर आपको ठीक से नहीं आता तो आप यहाँ चमके लिए भी लगा सकते हैं, पर मुझे ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो फिर अब आप देख सकते हैं कि ये कैसे बनता है। मैं आ रही हूँ तुम्हारे खाने के लिए। मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो देखा आपने कि ये मगर मम्मी कैसे दिखती है। तो अगर आप मगर फैमिली बनाना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह से एक मगर डैडी, मगर मम्मी, मगर भाई, मगर बहन और मगर बच्चा भी बना सकते हैं। तो फिर सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस क्रोकोडाइल को कैसे बनाते हैं। चलिए बढ़ते उस तरफ। तो फिर मगर क्रोकोडाइल बनाने के लिए आपको चाहिए एक पेपर। तो सबसे पहले हम पेपर पर ऐसे कर लेंगे। पेपर को ऐसे मोड़ने के बाद आपको इसे खोलना है और इसे उल्टा टर्न करके इस लाइन पे इन दोनों को ऐसे लेके आना है। और इसे हाँ इस तरह से। तो ऐसे मोड़ने के बाद इसको खोल लेना है और अब हमारी मगर है तैयार। क्या इसमें क्या कमी है? हाँ, हमने मगर का चेहरा ही नहीं बनाया। तो फिर मगर के चेहरे को ड्रॉ कर लेते। ड्रॉ करने के बाद इसे काट लेना है। अपनी उंगलियों का नाप लेके इसके एजेस पर ऐसे मार्क कर देना है और फिर अपना मगर क्रोकोडाइल लेके इसके उसके पीछे चिपका देना है। और याद रखना, आपने जो ये पॉइंट बनाया है इसके बाहर ही आपको चिकट वो सेलो टेप लगानी है। अगर इसके अंदर आपने लगा दी तो फिर आपके सिर्फ दो उंगलियां या फिर एक ही उंगली बैठेगी। तो फिर याद रखिएगा, जैसे बैठा देते हैं अब। तो ऐसे ऐसे टेप से चिपका दीजिए और फिर बन जाएगी आपकी मगर मम्मी तैयार। चाहे तो आप इसे कलर भी कर सकते हैं, पर मुझे कलरिंग पसंद नहीं इसलिए मैंने इसे कलर नहीं किया। तो फिर आप ही ऐसे करके मगर डैड, मगर मम्मी, मगर बच्चा, मगर भाई और मगर बहन बनाइए। बने रहिए मेरे चैनल पर और भेजिए कमेंट ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको भी मेरा चैनल बहुत पसंद है। वो तो मुझे ऐसे भी समझ में आता है, पर मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय।